यदि खुद में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कमियां भी हौसला बन जाती है। ऐसी ही कहानी है एक नरसिंहपुर के दिव्यांग सुशील चंद्र की। इनके हौसले ही हैं जिनकी बदौलत उन्हें खुशहाली भरा परिवार नसीब हुआ और अब तो जिला प्रशासन ने भी उन्हें एक ऐसी जिम्मेदारी सौंपी है जो उन्हें नई पहचान दे रही है। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। नरसिंहपुर के इस सरकारी स्कूल में दिव्यांग बच्चों को राह दिखाने वाले दृष्टिहीन दिव्यांग शिक्षक सुशील चंद्र इन दिनों लोगों को अपने वोट की कीमत का पाठ भी पढ़ा रहे हैं। जागरूकता भी ऐसी कि जिससे हर किसी को सरोकार है। हो भी क्यों ना, सरकार और प्रशासन में जिसका सबसे बड़ा किरदार है तो वो है लोकतंत्र। जी हाँ, और अब इसी लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी के लिए जिला प्रशासन ने सुशील को स्वीप प्लान यानी मतदाता जागरूकता अभियान का आइकन बनाया है। इस जिम्मेदारी से सुशील खासे उत्साहित हैं और वे दिव्यांग मतदाता सहित महिला पुरुष युवा सहित सभी मतदाताओं से आगामी चुनाव में मतदान करने का आग्रह कर रहे हैं। सरकारी स्कूल में दिव्यांग बच्चों को ब्रेल लिपि में पढ़ाई करा रहे सुशील बच्चों को तो पढ़ा ही रहे हैं, साथ ही स्कूल से बच्चे समय में वह लोगों को मतदान का महत्व भी समझा रहे हैं। सुशील की जिम्मेदारी से उनकी दिव्यांग पत्नी भी खासी खुश है। वे बताती हैं कि उनके पति देश के लिए अहम काम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ऐसे में दिव्यांगों में तो मतदान को लेकर उत्साह होना ही है, साथ ही दूसरे वर्ग भी जमकर चुनाव में हिस्सेदारी करेंगे। पति को मिली जिम्मेदारी से वे बेहद खुश हैं।